सीटीओ लाहौर ने शिरकत की है, शोधा के अहले खाना भी मौजूद हैं। इसके अलावा और कौन कौन से लोग मौजूद हैं वहाँ पर? बिल्कुल, इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी जो है उसने भी नुमाइंदगी की है, जबकि ड्रग डीलर एसोसिएशन की तरफ से भी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। और इसके अलावा ट्रैफिक वार्डन, लेडी ट्रैफिक वार्डन जो है उनकी बड़ी तादाद ने यहाँ पर शिरकत की है इस तकरीब में। आपका फयाज मलिक, आपको बताएं इसी हवाले से सीटीओ लाहौर लियाकत अली मलिक इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप लोगों का सबका शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ आज यहां तशरीफ लाए। हमारा मकसद ये है दरअसल कि हम ये शहदा को खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं, उनके वरसा को खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं कि उन्होंने कुर्बानियां दी। और इसी जगह पे आज से 2 साल पहले तकरीबन को 2 घंटे पहले एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। आप में से बहुत सारे भाई उसके आई विटनेस हैं, यहाँ मौजूद हैं, आप लोग उसको फील कर सकते हैं। तो हम दरअसल ये पैगाम देना चाहते हैं जहाँ जहाँ हमारा पैगाम पहुँचता है कि हम जो है ना बिल्कुल नहीं डरेंगे, हम बिल्कुल नहीं झुकेंगे, हम बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। हम फिर भी ये हमारे लोग खड़े हैं, हमारे ट्रैफिक वाले सारे लोग खड़े हैं, पुलिस के लोग खड़े हैं, हम कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं, हमारी सिविल सोसाइटी के लोग खड़े हैं कि हम फिर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं अगर मौका पड़ा तो। और हम इंशाल्लाह दुश्मन की इन बातों से बिल्कुल नहीं डरेंगे। और ये उनके वरासा को भी हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि इंशाल्लाह उनका एहसान है इस धरती के ऊपर, उनका एहसान है पुलिस के ऊपर, उनका एहसान है पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, और हम उस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। जिस चीज़ की तजदीद अहद का दिन है, इसके लिए मैं आप लोगों का सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी इस याद दहानी में, इस तजदीद अहद में आप हमारे साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया।